को बार इस प्रकार से हरे राम 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 हरे हरे श्री राम जय जय राम अनेकों लय एक ही नाम को विविध विविध लय से गाना इसी का नाम नाम संकीर्तन है। अब नारद जी खूब गाते हैं, अब नारद जी गाते हैं, नारद जी दमयंती घोड़े सुंदर सुंदर गाने सुनाते हैं। अब दमयंती ने कहा इतने सुंदर गाने सुनने को मुझे मिल रहे हैं, अब मैं तो नारद जी को पसंद कर लेती हूँ। अब इतना नारद जी के प्रति उनका मोह जागृत हो गया है कि खूब भेदभाव दोनों के बीच में होता है। पर्वत राज ने एक दिन देखा कि ये भेदभाव हमारे बीच में क्यों हो रहा है। नारद जी ने उसे पूछा, पर्वत राज ने कहा हे नारद जी महाराज, ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि हम दोनों की सेवा में दमयंती इतना भेदभाव क्यों कर रही है। तब नारद जी ने कहा आपसे मैं क्या छुपाऊं, आपसे मैं आखिर में बता ही देता हूँ। अरे महाराज इति सप्त सुतेनाहं कुपितेन महात्मना सहसाय भवं क्रूरः शाखा मृगमुखस्तथा। उन्होंने कहा कि मैं गाता हूं ना इसलिए दमयंती मुझे खूब पसंद कर रही है। अब दमयंती जब पर्वतराज ने सुना तो पर्वतराज को क्रोध आ गया। पर्वतराज ने कहा देखो नारद जी, जब हम दोनों विचरण कर रहे थे तो हमने एक शर्त रखी थी कि जितनी भी घटनाएं हमारे बीच में घटेगी हम अपनी बात को एक दूसरे से शेयर करेंगे। अब हुआ क्या, नारद जी ने अपनी सारी बातें तो बता दी परंतु ये नहीं कहा कि मेरा और दमयंती दोनों के बीच में कुछ संबंध चल रहा है। अब आज जब नारद जी ने कहा तो पर्वतराज ने उनको श्राप दे दिया। नारद जी से कहा नारद जी तुमने मेरे से सारी बातें छुपाई है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे को क्या लग जाए, बंदर का मुख लग जाए। नारद जी ने कहा ठीक है, तुमने मुझे श्राप दिया है, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम्हारा गमन पर्वत राज, आज से तुम कभी स्वर्ग में नहीं जाओगे, तुम्हें स्वर्ग से च्युत कर दिया जाएगा। अब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, पर्वतराज तो वहां से निकल गए। अब नारद जी हैं, नारद जी का चेहरा कैसा हो गया, बंदर का। अब जब दोनों रहते हैं, अब दमयंती के मन में तो उतना ही मोह है क्योंकि वो खूब उनको गाना सुनाती है, नारद जी खूब संगीत सुना रहे हैं। अब दमयंती बड़ी प्रसन्न है। अब दमयंती जब बड़ी हुई तो पिता को चिंता हुई कि मेरी बेटी का विवाह कर दिया जाए। अब बेटी बड़ी हो गई है तो जितना जल्दी हो इसका क्या करना चाहिए, पाणि ग्रहण कर देना चाहिए। अब महाराज ने सोचा कि मैं क्यों ना एक सुंदर से वर के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूं। अब जैसे ही अपने दूतों को भेजा कि जाओ तुम जाकर के देखो कि कौन सा राजकुमार बड़ा अच्छा है। महाराज की आज्ञा मान करके अब उनके दूत गए, परंतु जब दमयंती को बात मालूम चली कि पिताजी मेरे लिए वर खोज रहे हैं, अब उसने सोचा पिताजी से अगर अपनी बात बतलाऊंगी तो पिताजी मेरे से क्रोध होंगे, परंतु अपनी धात्री, धात्री कहते हैं माता को, अपनी माता से जाकर के कह दिया कि मैं तो नारद जी से ही विवाह करूंगी, मैं तो नारद जी को खूब पसंद करती हूँ, मैं तो नारद जी से ही विवाह करूंगी। अब जब महाराज को मालूम चला, महाराज ने कहा बेटी वो एक कौन है, संत है, उनसे तुम विवाह करो। कहा पिताजी मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे नारद जी पसंद है, अब मैं तो नारद जी के साथ ही विवाह करूंगी। अब पिताजी की एक ही बेटी है, अब बेटी की इच्छा, बेटी जो चाहती है तो उसकी इच्छा अनुसार से उसका विवाह नारद जी के साथ करा दिया, नारद जी के साथ करा दिया। अब नारद जी दमयंती को लेकर के चले। उसी समय क्या होता है, नारद जी कहते हैं दमयंती महाराजा पुत्री में मातता ब्रवीत पितरम ब्रूहि धात्रे वचनान में सुखवान वितम
माया प्रेदो तुम्हें धावे नारदो महदीयुतहा कुरु मे वांछितं तातो विवाहं मुनिना सह नायं वरिष्ठे धर्मज्ञं नारदं तु पतिं विना। अब नारद जी को अपना पति बना दिया। अब नारद जी दोनों का विवाह हुआ। उसी समय वहां पर किसका आगमन हुआ? पर्वतराज का। अब पर्वतराज ने देखा, नारद जी आपने हमारे साथ छल कपट किया और आपने तो दमयंती से विवाह भी कर दिया, परंतु मित्र छोड़ो, तुम्हारा विवाह हो गया है कोई चिंता नहीं, परंतु उस समय आवेश में आकर के मैंने आपको जो श्राप दिया था ना, आपको जो बंदर का मुख लग गया था, अब मैं आपके इस मुख को सदैव सदैव के लिए आपसे दूर करता हूं। और महाराज पर्वत ने अपने आशीर्वाद से, अपने तपोवल से नारद जी के जो बंदर का मुख लगा था उसको दूर करके पुनः नारद जी सुंदर से व्यक्ति बन गए। नारद जी ने कहा, पर्वतराज मैंने भी आपको श्राप दिया था कि आप पर्वत, आप स्वर्ग से च्युत हो जाओ, तो मैं भी आपको अब आशीर्वाद देता हूँ कि पुनः आपका आगमन स्वर्ग में आता रहे, आप आते जाते रहो। अब तो नारद जी बड़े सुंदर हो गए। उसी समय नारद जी को पुनः याद आया, अरे मैं कहाँ इस मोह माया में फंस गया। और नारद जी को जब मोह माया से मालूम चला कि मोह माया में फंसा हूं, तुरंत नारद जी को महाराज पर्वत को देख करके वैराग्य जागृत हुआ और पुनः नारद जी ने सब कुछ छोड़ करके पुनः क्या करने लगे, अपनी तपस्या में तल्लीन हो गए। नारद जी कहते हैं, हे वेदव्यास जी महाराज, ये मेरे जीवन की एक छोटी सी स्टोरी थी। अरे अभी पूरी पिक्चर बाकी है, ये तो मैंने आपको छोटी सी अपने जीवन की एक स्टोरी सुनाई। अब मैं मोह माया के वश में कैसे फंसा, अब मैं आपको एक अपने बड़ी और सुंदर कहानी सुनाता हूँ। नारद जी कहते हैं, एक समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों आपस में बात कर रहे थे और उसी समय में वैकुंठ में गया और वैकुंठ में जाते ही भगवान विष्णु बोल रहे थे कि भाई सब माया का खेल है, माया में सबको फंसना पड़ता है। और नारद जी गए, नारद जी ने कहा क्या बोला आपने, उन्होंने कहा मैं यही कह रहा था कि सबको माया में फंसना पड़ता है। नारद जी ने कहा कैसी बात कर दी आपने, अरे मैं एक संत हूँ, मैं आज तक उस मोह माया में नहीं फंसा। नारदेवम विधाने तेर सास्थाप्यम्य कदाचन पतिम विना निसानिध्ये कस्य निध्यो त्वया क्वचित् माया दुर्जया विद्वन् यो भीर जितमारुतैः सांख्या विधिनिहारा है तपश्चैव जितेन्द्रियः देवेश्च मुनिला दुर्लं त्यक्तोक्तं वधोधुना जितं मयोऽसि गीतज्ञा नैवं वाच्यं कदाचन। नारद जी ने कहा माया, भगवान ने कहा माया दुर्जनम विद्वान, अरे ये माया ऐसी है ना, बड़े बड़े संतों को भी अपने वश में कर देती है। भगवान विष्णु कहते हैं, अरे बड़े बड़े संतों की तो छोड़ो, मैं स्वयं और ब्रह्मादि स्वयं भगवान शंकर भी, आप सबको देखते हैं ना, आप सुनते होंगे कि भगवान ब्रह्मा जी कौन है, सृष्टि के रचयिता है। भगवान विष्णु पृथ्वी के पालन करता है और भगवान शंकर कौन है, संहार करता है। परंतु भगवान श्री विष्णु कहते हैं, नारद जी हम भी उस योग माया के अधीन पे घूमते हैं, योग माया हमें जैसा घुमाती है वैसे हम घूमते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, अरे अगर मैं स्वयं इस सृष्टि का पालन करता होता तो मेरे विविध विविध रूप नहीं होते, मैं कच्छप नहीं बनता, मैं वराह नहीं बनता, वामन नहीं बनता, सुवर नहीं बनता, ये सारे मेरे अवतार नहीं होते, परंतु मैं उस योग माया के अधीन होकर के उस माँ के आशीर्वाद से मैं पुनः पुनः इस धरा धाम पर विविध विविध रूपों में अवतरित होता हूँ। भगवान श्री हरि कहते हैं, जब मैं
भगवान ब्रह्मा भगवान शंकर उस योग माया के अधीन है, उस देवी के अधीन है। अरे फिर औरों की तो बात ही क्या करना। परंतु नारद जी ने कहा है, आज मैं एक ऐसा संत हूं कि मैंने माया को जीत लिया। भगवान ने कहा, अरे भाई माया को किसी ने आज तक नहीं जीता। नारद जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, अरे मैंने माया को जीत लिया है, मैं एक तपस्वी हूं, मैं एक संत हूं। नारद जी के अंदर क्या हुआ है, अहंकार जागृत हुआ। भगवान ने कहा, देखो नारद जी ये फालतू की बकवास मत करो, क्योंकि मुझे अभी एक आपत्तिकालीन बैठक के लिए जाना है। भगवान ने कहा, देखो मैं तो अपनी सवारी गरुड़ से जाऊंगा, गरुड़ के ऊपर बैठ करके जाऊंगा, तुम्हें भी आना है तो चलो। नारद जी ने कहा, ठीक है मैं आने को तैयार हूं। अब तो भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी का जो अहंकार है ना वो और बढ़ाने लग गए। अरे अच्छा आपने माया को जीत लिया है, मुझे पहली बार मालूम चला कि नारद जी एक ऐसे हैं कि जिन्होंने माया को अपने वश में किया है। तो ठीक है चलो अभी हम चल रहे हैं तो हम गरुड़ की सवार करेंगे, तो महाराज जी आइए आप गरुड़ के आगे बैठिए, आप आगे वाली सीट पर बैठिएगा और मैं पीछे वाली सीट पर बैठूंगा। अब जैसे ही गरुड़ उड़ा अब भगवान उनको गाइड करते हैं, देखो नारद जी ये वो वन है ये वो वृक्ष है। अब नारद जी का अहंकार और बड़ा। नारद जी कहते हैं, अरे वाह मैंने माया को जीता है, मेरा इतना सम्मान हो रहा है। भगवान विष्णु और उनकी क्या कर रहे हैं, उनके अहंकार को बढ़ा रहे हैं। नारद जी देखो ये नीचे इस जो ये आपको कंट्री दिख रही है ना, यहाँ का नाम भारत है। अरे देखो देखो ये नदी है, इसका नाम गंगा जी है। आगे जाकर के ये जो बड़े बड़े पर्वत हैं, विविध विविध पर्वतों से जाकर के इतना भगवान ने उनको सारा वृतान जब सुनाया तो नारद जी की बात क्या कहेंगे। नारद जी का अहंकार और बढ़ता गया, अरे मैं तो बड़ा महासंत हूं, अरे श्री हरि जिनकी तपस्या सब करते हैं आज वो स्वयं आकर के मुझे बतला रहे हैं, मैं तो बहुत बड़ा संत हूं। नारद जी का अहंकार बढ़ता जा रहा है। विचरण करते करते भगवान श्री हरि नारद जी को एक ऐसे स्थान पर ले गए जिसमें एक बहुत बड़ा तालाब है और उस तालाब के बाद दूसरा एक दूसरी कंट्री है। भगवान ने कहा, देखो नारद जी अब हम यात्रा करते करते थक गए हैं और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर क्या करो, विश्राम कर लो, और विश्राम करने के बाद जो तालाब है ना इसमें तुम क्या करना, स्नान करना। नारद जी ने कहा, ठीक है मैं विश्राम तो करूंगा पर जमीन में कैसे विश्राम करूं। भगवान ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं अभी आपके लिए सुंदर सा बिछौना बिछाता हूं। और भगवान ने सुंदर सा बिछौना बिछाया। अब तो नारद जी और अहंकारी बने, अरे आज स्वयं भगवान श्री हरि मेरी सेवा कर रहे हैं। अब थोड़ी देर विश्राम किया, भगवान ने कहा, नारद जी अब सरोवर है, थोड़ी सरोवर में तुम स्नान कर लो। अब नारद जी ने कहा, ठीक है मैं स्नान तो करता हूं परंतु जो मेरी वीणा है मेरे वस्त्रों को कौन पकड़ेगा। भगवान ने कहा, अरे मैं हूं ना यहाँ पे, मेरे पास अपनी वीणा पकड़ाओ, अपने वस्त्र मुझे दो, मैं स्वयं पकड़ता हूँ। अब तो नारद जी का अहंकार इतना बढ़ गया, अरे मेरे वस्त्र स्वयं श्री हरि पकड़ रहे हैं। अब तो नारद जी के अहंकार का ठिकाना नहीं, इतना अहंकार नारद जी को हो गया। और कहते हैं, अत कश्चिन नृपकाम दूर से सा दिपो महान आराति भावमापन्नः पतिना सहनमानदा कृत्वा सेन समायोगौ रथैश्च वारणैर्युतम् वेष्टिम् नगरं तेभ्यः सेनैश्चुस्तेन तेजसा। अब हुआ क्या, जैसे ही नारद जी गए, अब नारद जी ने पहले आचमन किया और आचमन करने के बाद नारद जी ने जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई और डुबकी लगाते नारद जी क्या बन गए, महिला बन गए। अब नारद जी ने जब डुबकी लगाई तो ऊपर आए और एक सुंदर सी स्त्री नारद जी बन गए। नारद जी ने देखा, रे भगवान श्री हरि कहाँ है, मेरी वीणा कहाँ, मेरे वस्त्र कहाँ है। अरे देखा तो मैं स्वयं एक स्त्री बन गई।
अब क्या किया जाए। भगवान श्री हरि को देखा, भगवान श्री हरि वहां से उड़ गए, गरुड़ भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय वहां पर किम बीसरि तन्वः भ्रमोयोयम् प्रकीर्तितः मोहिने कोकिलालापे पतिपुत्र गृहात्मके। उसी समय उस सरोवर पे एक राजा का आगमन हुआ, जो दूसरी कंट्री थी ना, वहां के राजा आए। अब उन्होंने उसको देखा, नारद जी जो स्त्री बनी हुई है, नारद जी को देखा। अब नारद जी तो स्त्री है, पर उनको अपना पूरा वृतांत अभी विस्मरण हो गया। अब जैसे ही देखा तो राजा ने पूछा, रे देवी तुम कौन हो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम कौन सी कंट्री से आई हो। अब नारद जी क्या बोले, उनको कोई भी याद नहीं, मैं कहां से आई हूं, कौन हूं। कहा चलो ठीक है, तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं यहाँ का राजा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ विवाह करूँ और आप मेरे राज्य में चले। अब महाराज ने नारद जी जो स्त्री बने हैं ना, उनके साथ विवाह किया और विवाह करके उनको अपने घर में ले गए। आगे जाकर के नारद जी वर्णन करते हैं, जब हमारा विवाह हुआ तो कालांतर में मेरे चार पुत्र हुए और मेरे चार पुत्र भी हो गई, एक कन्या भी हुई जिनका नाम है जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीयावस्थ। ये मेरे चार पुत्र हुए। अब पुत्र होने के बाद नारद जी कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि गुणत्रय कृतम सर्वं जगत्थास्थर जंगमं विना गुणेर संसारो वर्तते किंचदस्पदः। अब नारद जी कहते हैं एक दिन क्या हुआ, एक दूसरे महाराज ने हमारे देश पर आक्रमण किया। अब जब आक्रमण कर दिया, मेरे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए और जो मेरे पति थे ना, वो स्वयं युद्ध करने के लिए गए। जगतम्बे मात की नागनी माता की। अब नारद जी कहते हैं हमारे चार पुत्र भी हो गए, एक पुत्री भी हो गई। अब पुत्री का विवाह भी हो गया। अब जब चार बेटे बड़े हुए तो दूसरे देश के राजा ने हमारे देश में क्या किया, आक्रमण कर दिया। अब जब हमारे ऊपर आक्रमण किया तो पहले मेरे पति सेनाओं के साथ में उनके साथ युद्ध करने गए। अब युद्ध करने गए तो युद्ध करते करते जो मेरे पति थे वो भी क्या हो गए, युद्ध में मारे गए। अब जब मेरे पति मारे गए तो फिर मेरे पुत्र गए, मेरे पुत्र भी धीरे धीरे चारों की मृत्यु हो गई। अब नारद जी कहते हैं उन सब को देख करके मासोकम कुरु राजेन्द्रः कालो किम दुर्दक्रमः कालयोगम समासाध्यः भुंक्षम भोगान गृहे यथा यथा गता गता सातु तथेवा वरवर्णिनी यथा पूर्वं तथा तत्र गच्छ कार्यं कुरु प्रभो उरुदितेन तवात्येवः नागमिष्यति कामिनी वृथा शोचसि पृथ्वीसी योगयुक्तो भवाधुनः। अब नारद जी कहते हैं मेरी ऐसी स्थिति हो गई कि मैं अब शोकातुर हूं। अरे मेरे पति भी गए, मेरे चारों पुत्र भी गए। अब जब मैं शोक में बैठ करके रुदन कर रही हूं, मैं रो रही थी और मेरे को रोते देखते देखते वहां पर भगवान श्री हरि आए और भगवान ने कहा अब क्या हुआ नारद जी। अब नारद जी कहा तो पहचाना नहीं। भगवान श्री हरि ने कहा हे देवी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्र सारे मर गए हैं, तुम्हारे पति भी नहीं रहे। अब तुम जाकर के जो सरोवर है ना, उस सरोवर में जाकर के तुम्हें क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। अब जैसे ही नारद जी ने पुनः सरोवर में गए, सरोवर में डुबकी लगाई और डुबकी लगाते जैसे ऊपर आए, वैसे ही नारद जी पुनः अपने रूप को प्रकट किए, अपने रूप को प्राप्त हुए। अब नारद जी ने देखा रे बाप रे, मैं तो कह रहा था कि मैं इस माया से
इस माया के बंधन में नहीं फंसा हूँ, मैं माया से मुक्त हूँ, परंतु आज भगवान की माया ने मुझे स्वयं अपनी माया में बांध दिया। कहते हैं विदुर व्यास जी महाराज, ये मेरे जीवन की इतनी बड़ी घटना थी। मैं चाहता था कि मैं कौन हूँ, माया से मुक्त हूँ, मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु भगवान श्री हरि ने कहा नारद जी अब आपको मालूम चला कि इस माया के बंधन में सब फंसे हुए हैं। हम उस जगत जननी की, उस माया के एक छोटे से खिलौने हैं। जैसा वो माया हमें चलाए वैसे हमें चलना पड़ता है। जब नारद जी जैसे बड़े बड़े संत जिनको अहंकार हो गया था कि मैंने माया को जीत लिया है, परंतु भगवान श्री हरि ने स्वयं उनके अहंकार को क्या किया, तोड़ा। आगे जाकर के इस प्रकार से जब मां जगत जननी की कृपा होती है तो सभी को मालूम चलता है कि माया से बढ़कर के कोई भी नहीं है। अब नारद जी ने पुनः भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और मां जगत जननी की स्तुति करती है। काली दुर्गे राधे श्याम, काली दुर्गे राधे श्याम, ओ गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, काली संकाली दुर्गा राधे श्याम, काली दुर्गा राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, काली दुर्गे राधे श्याम, काली दुर्गे राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, काली दुर्गे राधे श्याम, काली दुर्गे राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम, 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 गौरी शंकर सीताराम। जगदम्बे नाथ की जय, प्रेम से बोलो नागनी माता की जय, जोर से बोलो नागनी माता की जय। इस प्रकार से भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन भगवान श्री हरि ने स्वयं नारद जी के अहंकार को तोड़ा। आगे जाकर के जन्मेजय ने कहा गुरुदेव मैं पुनः आपसे देवी भागवत की दिव्य महिमा का आख्यान सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में जैसे जैसे आप मुझे कथाएं सुना रहे हैं ना, तो मेरे मन में और जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं कि मैं देवी भागवत की और कथाएं सुनूं। आपके मन में बढ़ रही है कथाएं सुनने की जिज्ञासाएं, तो उसी प्रकार से नारद जी महाराज जन्मेजय कहते हैं गुरुदेव आपने जिस प्रकार से मां जगत जननी का वर्णन मुझे सुनाया है ना, मैं और आपसे मां जगत जननी के दिव्य आख्यान दिव्य वर्णों का श्रवण करना चाहता हूँ, कृपया करके गुरुदेव आप मुझे सुना सुना। भगवान श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन इच्छा कुर नृप सर यातिर दृष्ट दृष्ट करो सुकान नरिष्यंतम प्रबंतं च नभं च कविं विहो। ये भागवत जी का श्लोक है। भगवान से जब व्यास जी महाराज कहते हैं हे राजन, एक महाराज हुए सरयाती हुए, है ना, सरयाती के एक कन्या है जिसका नाम है सुकन्या,
एक सुकन्या की कहानी हमने पहले भी सुनी थी और एक दूसरी सुकन्या है। भागवत देवी भागवत में दो सुकन्याओं का वर्णन आया है। अब महाराज सरयाती है, सरयाती की बेटी का नाम क्या है? सुकन्या। अब सुकन्या एक ऐसी है जो कि सर्वगुण संपन्न है। एक दिन क्या हुआ, महाराज सरयाती अपनी प्रजा के मंत्री मंडलों को साथ में लेकर के और मंत्री के जो परिवार वाले हैं, उनके घर वाले हैं, सबको साथ में लेकर के कहां गए? पिकनिक के लिए। पिकनिक के लिए गए जंगल में। अब जब जंगल में जाते हैं तो जंगल में जाते जाते इन्हें एक सुंदर सा आश्रम दिखा। अब उस आश्रम में देखा तो आश्रम में कोई नहीं। आश्रम में जब कोई नहीं है तो उसी आश्रम में एक ऋषि का नाम है कौन? च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि तपस्या में तल्लीन थे, मां जगत जन्य की साधना कर रहे थे। साधना करते करते उनका शरीर बिल्कुल दीमक धर उनके शरीर पे लग गई। पूरा शरीर नहीं दिख रहा है, परंतु जो उनके नेत्र है ना, ये नेत्र दिख रहे थे। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक झलकीड़ा होता है, तो उसी प्रकार से उनको दोनों नेत्र चमक रहे थे। अब दोनों नेत्र चमक रहे हैं, सुकन्या छोटी है, सुकन्या ने अपनी सखियों के साथ में आई है। अब देखा है कि यहाँ पर एक विशाल पर्वत जैसा बना है, परंतु उसमें दो आंखें चमक रही है च्यवन ऋषि की। उसको लगा कोई छोटे से कीड़े होंगे। अब सुकन्या ने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसे जैसे ही च्यवन ऋषि की आंखों को छेदन किया तो च्यवन ऋषि की आंखों से क्या क्या निकला? रक्त निकला। अब जब पूरा लाल लाल रक्त निकला, उसी समय क्या हुआ महाराज, जितने भी प्रजा वहां पर गई है, जितने भी राजा महाराजा वहां पर गए हैं, सबकी सांसें रुकने लग गई। सबको श्वास में श्वास लेने में दिक्कतें हो गई। अब सबने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, अरे हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घट रही। उसी समय जब पिकनिक के लिए गए थे तो उनमें जो बड़े बड़े बुजुर्ग मंत्रिमंडल थे, अब जब बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्होंने सोचा कि हमको बड़े लोगों से पूछना चाहिए, बुजुर्गों से पूछना चाहिए कि इस प्रकार का प्रकोप क्यों हो रहा है। जब महाराज सरयाती ने अपने बड़े बुजुर्ग मंत्रियों से पूछा तो उन्होंने कहा अवश्य यह देव प्रकोप है, क्योंकि ऐसा कार्य ऐसा दुख आदमी को तभी होता है जब देव प्रकोप लगता है। तो अवश्य हम जंगल में आए हैं तो यहाँ इस आश्रम में अवश्य किसी संत महात्मा की समाधि होगी और हमारे द्वारा उनको ठेस यानी कि उनको दुख पूछा है, इसलिए हमें यह माल पता करना है कि किसके द्वारा उनको दुख पहुंचा। सबको पूछा तो सबने मना किया कि हमारे से कुछ गलती नहीं हुई। अब धीरे धीरे जब दोनों सभी प्रजा को और दुख होने लगा, सबकी सांसें और दिक्कत हो रही, अब क्या किया जाए, तब सुकन्या ने कहा पिताजी मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, मैं जब अपनी सखियों के साथ में विचरण कर रही थी उसी समय हमने देखा कि एक बड़ा सा मिट्टी का गोला बना हुआ है और छोटे छोटे से वहां पे चमकते हुए दो कीड़े हमको दिखे और जैसे ही मैंने लकड़ी से उनका क्या किया भेदन किया तो उनसे रक्त धारा बही और जब जाकर के देखा महाराज सरयाती ने, अरे ये तो यह स्वयं महाराज कौन है? च्यवन है। अब क्या किया जाए, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप हमें माफ करिए, छोटी कन्या है, अरे छोटी बच्चे इनसे गलती हो गई। महाराज च्यवन ने कहा राजन मैं आपको क्षमा तो नहीं करूंगा, परंतु मैं एक शर्त आपसे कहता हूँ कि क्षमा पयति चेन मात्वं गुरु मे वचनम नृपा देहि मे परिचर्यार्थं कन्या कमल लोचना तुष्ये नया महाराजा पुत्र्या तव महामते करिष्यामि तपस्याहं सामे सेवा करिष्यति।
महाराज चवन ने कहा, देखो राजा, मैं आपको क्षमा तो नहीं करूंगा, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि देह में परिचर्यार्थम कन्या में कमल लोचना। हरे राजन, जिस कन्या के द्वारा यह पाप किया गया है, जगदम्बे मात की जय, नागनी माता की जय। महाराज चवन ने कहा, जिस कन्या के द्वारा यह पाप किया गया है, वह कमल लोचना, वह सुंदर सी कन्या आप मेरे को सौंप दीजिए, क्योंकि करिष्यामी तपस्या हम सेवा में करिष्यति। अरे मैं तपस्या करूंगा, वो स्वयं मेरी सेवा करेगी, क्योंकि मैं तो अब वृद्ध हो चुका हूँ। अब वृद्ध तो मैं पहले से था, परंतु मेरे नेत्र भी नहीं है, अब मैं अंधा हो गया हूँ, अब मैं किस प्रकार से तपस्या करूंगा, अथवा मैं किस प्रकार अपनी दिनचर्या चलाऊंगा, मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा। इसलिए राजन, मैं आपको क्षमा तो नहीं करता हूँ, परंतु जिस कन्या ने यह पाप किया है, उस कन्या को आप मुझे सौंप दीजिए। महाराज सरयाती ने कहा, गुरुदेव वो छोटी कन्या है, अरे उसे पाप हो गया अनजाने में, आप उसे क्षमा कर दीजिए। महाराज चवन ने कहा, मैं क्षमा तो करता, पर मेरी सेवा कौन करेगा। उन्होंने कहा, मैं आपकी सेवा के अनेकों पटरानियां भेजूंगा, अनेकों दासियां भेजूंगा, आपकी सेवा के लिए खूब सारे सैनिक भेजूंगा। परंतु महाराज चवन ने कहा, मुझे कोई दासी नहीं चाहिए, मुझे कोई सैनिक नहीं चाहिए, मुझे तो केवल कन्या कमल लोचना, जिस कन्या के द्वारा पाप किया गया है, वही कन्या मेरी सेवा करेगी। महाराज सरयाती सोचते हैं, अरे क्या किया जाए, अब मेरे ऊपर दो दुविधाएं हैं। अगर हम अपनी कन्या को नहीं सौंपते हैं, तो जो हमारे को पीड़ा सता रही है, इस पीड़ा से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मैं अपनी कन्या को देता हूं, तो मेरी छोटी कन्या है, और ये महाराज इतने बड़े वृद्ध हैं, इनको दिखता भी नहीं है, बड़ी बड़ी जटाएं इनकी हैं, इनको अपनी कन्या छोड़ूंगा तो किस प्रकार मेरी कन्या यहाँ रहेगी। अरे वो तो राज घराने में रहने वाली है, इस जंगल में अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी। महाराज चवन ने कहा, भाई देखो, हमारा तो साफ कहना है, कन्या को हमारे पास छोड़ दो, अगर तुम अपनी व्याधि से मुक्ति चाहते हैं तो कन्या को छोड़ दो, नहीं तो आपकी मर्जी। अब हुआ क्या, महाराज सरयाती पिता हैं और चाहते नहीं कि अपनी कन्या को छोड़ूं, परंतु क्या करें, सारी प्रजा भी व्याधि, सभी प्रजा को खूब कष्ट हो रहा है, इसलिए प्रजा की भलाई के लिए महाराज सरयाती ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह और अपनी पुत्री महाराज चवन को सौंप दी। अब जैसे अपनी पुत्री सौंपी और अपनी पुत्री से कहा, बेटी तू किस प्रकार इस जंगल में रहेगी, अरे मैं तेरे लिए दासियां भेजता हूँ, तेरी सेवा के लिए मैं सैनिकों को भेजता हूँ, तुम्हें एक सुंदर सा महल बना करके देता हूँ, तुम्हें खूब सारे गहने मैं आपको प्रदान करता हूँ। परंतु सुकन्या ने कहा, क्या मालूम, सुकन्या ने कहा, पिताश्री गृहाणा मम वासांसी भूषणानि च मे पितः वल्कलं परिधानाय प्रच्छा जिनमुत्तमं वेशं तु मुनिपत्नीना कृत्वा तपसि सेवनं करिष्यामि तथा तात यथा मे कीर्तिरच्युता भविष्यति भुव पृष्ठे तथा स्वर्गे रसातले परलोक सुखायम् करिष्यामि दिवानिशम्। सुकन्या ने कहा, पिताश्री मेरे द्वारा यह पाप हुआ है, अब मैं इन महाराज चवन की पत्नी बनी हूं, परंतु जो चवन ऋषि हैं, ये कौन हैं, संत हैं, और महाराज मैं जब इनकी पत्नी बनूंगी और मैं जब श्रृंगार करूंगी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनूंगी, तो फिर मैं किस प्रकार से इनकी पत्नी कहलाऊंगी। इसलिए पिताजी आप मुझे कुछ मत दीजिए, आप मुझे देना चाहते हैं तो वल्कलम परिधानाय,
हाँ मुझे केवल वल्ग वस्त्र धारण दीजिए। वल्ग यानी कि भगवा वस्त्र। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो साध्वी रहती है वो भगवा वस्त्र पहनती है। उन्हें निका पिताजी अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो वल्गलम परिधान आयो, मुझे केवल आप क्या दीजिएगा।